हमेशा कहता हूँ, पिछले 15 दिन से केजरीवाल ने भय फैलाया, पूरी दिल्ली हिला के रखी। लोगों ने ऑक्सीजन स्टोर कर ली, जिन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वो उठा उठा के रख ली, जो इंजेक्शन लगने नहीं है आपको, जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी आपने डर से उठा के रेफ्रिजरेटर में रख लिया। वो कल के बाद 24 घंटे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मुझे लगता है कि हरियाणा में ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत से 15% बफर हो जाएगी, यानी कि अगर 100 की लागत है तो 115 हमारे पास होगी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम बात करेंगे विनोद मेहता जी से। विनोद मेहता जी प्रिंसिपल मीडिया एडवाइज़र हरियाणा सीएम हैं, इनसे विशेष रूप से ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा सरकार की लेटेस्ट पोजीशन क्या है इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेहता जी आपका। धन्यवाद धरनी जी। मेहता जी, ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी परेशानी देखी जा रही है, ऑक्सीजन कब तक आने की संभावना है और कितनी आएगी? देखो, ऑक्सीजन के स्टेटस का ना कंपैरिजन करना चाहिए। मैं अगर इसको विजुअल की टर्म में बताऊं तो पिछले हफ्ते हम यहाँ थे और आज आते आते हम यहाँ हैं, और ये कोई सफ़र छोटा नहीं है। कल को मान लो मरीज़ बढ़ जाते हैं, महामारी किसी से पूछ के तो आती नहीं, मरीज़ बढ़ जाते हैं, तो हमारी तैयारी मरीजों की संख्या बढ़ने के हिसाब से है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में, अब सरकार एक हफ्ते से कह रही कि जी ऑक्सीजन की कमी नहीं, ठीक, लोग कहते नहीं जी ऑक्सीजन की कमी है, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हमें ऑक्सीजन मिलती नहीं। समस्या ऑक्सीजन की समस्या को सरकार ने सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है उसका ट्रांसफर, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको वापिस सिलेंडर्स में उसको रिफिल करना। अब उसमें भी दो वर्ग हैं। बड़े हॉस्पिटल्स, गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन टैंक है और उनके पास सिलेंडर भी हैं, वो दोनों सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आम आदमी जो होम आइसोलेशन में बैठा है उसके घर में सिलेंडर नहीं है, पहले वो बेचारा सिलेंडर के लिए फाइट करता है, फिर वो ऑक्सीजन के लिए फाइट करता है, तो उसमें जो उसको मेहनत करनी पड़ती है, 10 घंटे 12 घंटे भागदौड़ करनी पड़ती है, वो आके कहता है नहीं जी सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ हमेशा सिफारिश का कल्चर है, इंसानी फितरत है, हम कहते हैं भी फलाने से सिफारिश कराओ तभी काम होएगा। मेरी सरकार ने सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक कर दिया, हर जगह कंट्रोल रूम बन गया, हर जगह ऑक्सीजन का इंचार्ज बैठ गया, ऊपर उनके डिप्टी कमिश्नर बैठ गया, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर चंडीगढ़ से सारे अफसर भेज दिए, उन अफसरों को भी असिस्ट करने के लिए SCS लेवल के अफसर भेज दिए, तो पूरे जो चेन है वो पूरी विकसित हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे होम आइसोलेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम आएगी लोगों को, 2 दिन लगाओ या 3 दिन लगाओ वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। कितनी जो है ऑक्सीजन 2 दिनों के अंदर अंदर आने जा रही है जो उड़ीसा या अन्य राज्यों से आएगी? देखो, 161 मीट्रिक टन लेके ट्रेन जो है हमारी कल से चली हुई है उड़ीसा से, और उसके कल फरीदाबाद में पहुंचने की पूरी उम्मीद है। ईश्वर ना करे रास्ते में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आए, ग्रीन कॉरिडोर बना के आ रही है ट्रेन, तो लगता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुंचेगी। उसके बाद उसको लगाओ कि उसको जो डीलोड करना है 12 घंटे वो लगाओ, और 12 घंटे लगाओ लोगों तक पहुंचने में। तो कल के बाद 24 घंटे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मुझे लगता है कि हरियाणा में ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत से 15% बफर हो जाएगी, यानी कि अगर 100 की लागत है तो 115 हमारे पास होगी, बफर हो जाएगी। और उस बफर का फ़ायदा ये होगा कि मान लो अगले हफ्ते कहीं कोई ट्रक लोड नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ गई, तो वो जो बफर है 15%, वो बफर हमें उस संकट के टाइम में काम देगी। मेहता जी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर घर रखते हैं लोग, ये भी एक चर्चा आ रही है कि वो सुरक्षित नहीं है। देखो, जान है तो जहान है, इंसान हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए सारे रिस्क लेता है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, पर आज लोगों को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसको ना रखो। उसका रीज़न ये है कि हर एक को लगता है कि भाई मेरे पास एक सुरक्षा का
हथियार मेरे घर में है, मुझे भागना नहीं पड़ेगा मजबूरी में, भाई इतना उसमें हम लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई उसको घर में रखो, लेकिन सुरक्षित जगह पे रखो, जहाँ रखो वहाँ किचन नज़दीक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह की भी काम, जैसे घर में काम करने वाली हैं वो स्पार्किंग का कोई, बिजली का कोई ना हो, स्पार्किंग के चांस ना हो, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला ना बैठता हो, कैंडल नहीं जलाएं घर में, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है तो कैंडल अवॉइड करें, और भी जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं वो करने चाहिए। और एक मेरा अपील ये भी है लोगों से कि अगर आपने एक सिलेंडर मजबूरी में अपनी सुरक्षा के लिए स्टोर किया हुआ है तो उसको अपने मोहल्ले में अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसको ज़रूर दें, और खाली होने पे भरने की गारंटी सरकार की है। अभी तक ये फियर फैक्टर था कि भाई भरवाएंगे कहाँ से, लाइनें लग रही हैं, मिल नहीं रहा, अगले 2-3 दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोगों को सिलेंडर जैसे LPG फोन पे मिलती है वैसे ऑक्सीजन भी। मेरा मतलब विश्वास है कि जिस लेवल पे चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, जिस लेवल पे हमने मैनेज किया है चीज़ों को, और हमारी टीम ने, हमारे ऑफिसर्स ने, मिनिस्टर्स ने जिस तरह से काम किया, मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 दिन में आम आदमी को आराम से ऑक्सीजन मिलेगी जैसे LPG सिलेंडर मिलता है। मेहता जी, ये दावे आप किस आधार पर कर रहे हैं? आज की डेट में देखें तो इतनी कालाबाजारी ऑक्सीजन को लेकर है, मारा मारी है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। धरणी जी, आपने जो सवाल किया है ये हिंदुस्तान का सच है। हिंदुस्तान में हमेशा, कोई आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले और स्थिति थी, आज़ादी के बाद से जब जब कोई क्राइसिस आया है गलत काम करने वाले लोग एक्टिव होते हैं, आर्टिफिशियल कमियां खड़ी की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, भूत दिखाए जाते हैं लोगों को, और लोग फिर डरे हुए लोग जो हैं वो महंगी चीज़ें खरीदते हैं और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपको याद होगा मैं बार बार, मतलब मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि मैं एक सरकार का हिस्सेदार हूँ, मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमेशा कहता हूँ, पिछले 15 दिन से केजरीवाल ने भय फैलाया, पूरी दिल्ली हिला के रख दी, लोगों ने ऑक्सीजन स्टोर कर ली, जिन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वो उठा उठा के रख ली, जो इंजेक्शन लगने नहीं है आपको, जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी आपने डर से उठा के रेफ्रिजरेटर में रख लिए। जब भी संकट आए, चाहे वो महामारी हो, पेंडेमिक हो, युद्ध हो, उस वक्त पॉलिटिकल लोगों का जो रोल होता है, जो हमारी लीडरशिप है, किसी पार्टी की हो, मैं पार्टी से बाहर जाके बोल रहा हूँ, उसको पैनिक फैलाने से बचना चाहिए, भय फैलाने से बचना चाहिए, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ये ऐसा सेंसिटिव टाइम है जिसमें हमें लोगों को साथ मिला के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के, उनका मनोबल बढ़ा के, उंगली पकड़ के साथ लेना पड़ता है। इस वक्त ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि सरकार काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्वेश्चन ही नहीं है। सरकार तो दिख रही है, अभी सरकार 24 घंटे काम कर रही है, और कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो इस क्राइसिस में अपने ऊपर प्रेशर लेके डिलीवरी ना देना चाहती हो। बोलिए, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार ने क्या किया, कितने के लोग गिरफ्तार किए, क्या कदम उठाए? धरणी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसी हरियाणा का हूं, आज से 10-15-20 साल पहले कोई आदमी कत्ल करके आ जाता था ना, तो इस गारंटी पे कत्ल करता था भी मैं किसी से फ़ोन करा लूँगा, मेरी जान छूट जाएगी, मेरी जमानत भी हो जाएगी। आज हरियाणा में कोई गारंटी नहीं ले सकता मनोहर लाल की सरकार में कि मैं जुर्म करके आ जाऊँगा और बच जाऊँगा। कालाबाजारी में जितने लोग पकड़े हैं पिछले एक हफ्ते में, किसी की कोई सिफारिश नहीं हुई, सीधे जेल में पड़े हैं, चाहे वो किसी के रिश्तेदार भी हैं, नज़दीकी भी हैं, जेल में पड़े हैं, जमानत नहीं हुई। बताइए, इसके अलावा हॉस्पिटलों की बात लोगों को बहुत परेशान कर रही है, हॉस्पिटलों में जो इस वक्त देख मनमानी, सीधे शब्दों में कहूँ कि दादागिरी चल रही है, जिस प्रकार से एक एक बेड के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये से लाख लाख लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों के नाम पर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सच है। ये शिकायतें लगातार आ रही हैं और कल परसों इस पे एक्शन भी हुआ है, पर इतने एक्शन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा डर फैलाने में लगा हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहले दिक्कत थी कि जी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने लोगों को डराया, अब उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो अब वो लोगों को कहते हैं भी मरीज तो मैं तेरा दाखिल कर लूँगा पर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मरीज का कहता है भी मेरे को पैसे मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, मेरी जान वैल्यूएबल है, वो कहता नहीं भी तू 30,000 की जगह 50,000 ले ले पर तू मुझे ऑक्सीजन दे दे, तो वो कहता है जी ठीक है मैं तेरा एडमिशन करा। ये एक रेवेन्यू बढ़ाने की प्रैक्टिस हो रही है,
इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सरकार जो है वो डंडा दे, वो सरकार ने कल शुरू कर दिया, पर मैं इसको बाजार के हिसाब से देखता हूँ। बाजार जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से रोटेट होता है, काबू आता है। तो हम आज की जो मीटिंग हुई है उसमें यही चीज़ों पे डिस्कस हुआ है कि भाई सप्लाई बढ़ाई जाए। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, 100 से 110 हो जाएगी तो किसी डॉक्टर के पास ये बहाना नहीं होगा कहने का कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो अपने आप ले आ। पहले तो इससे सुधरेगी, दूसरा सुधरेगी। अब दूसरी बात आ गई जी, मेरे पास बेड नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं अच्छा जी बेड तो है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, तेरे पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ढांचा है, हमारे हरियाणा में जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कई कारणों से अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए। जैसे कल मुख्यमंत्री जी नल्लड़ में जाके आए और वो उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज की, 2-3 कॉलेज उन्होंने और आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें भी आज शायद फैसले हो जाएंगे, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे। मेहता जी, इसका मतलब ये माना जाए कि अघोषित रूप से हेल्थ एमरजेंसी लागू है इस वक्त? नहीं, आप इसको शब्दों में मत लो कि हेल्थ एमरजेंसी, एक तरह से कि सेल्फ एमरजेंसी है कि भाई हमारे नागरिक परेशान हैं, कोविड से बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत में, हमें उनका कैसे भी करना है, हमें उनका इलाज कराना है। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान उधर से पकड़ो, लफ्ज कोई भी यूज करो, अल्टीमेटली गोल ये है कि लोगों को लास्ट माइल तक इलाज पहुंचाना है। देश की सेना ने भी अब तो ऑफर कर दिया, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, कि जितने भी उनके हॉस्पिटल हैं जिस भी एरिया में हम पब्लिक को देखेंगे। देखो, आर्मी हमेशा, वैसे तो आर्मी जिस काम के लिए यूज होती है उसी के लिए होनी चाहिए, पर आर्मी हमेशा सरप्लस सेवा के लिए हाजिर रहती है इस देश की, क्योंकि आर्मी के पास हर तरह की सुविधा है और हम उसको एक लास्ट टाइम में यूज करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो यूज़ करते हैं, और उनको यूज करना भी चाहिए। उनको यूज इसलिए भी करना चाहिए कि उनकी भी जो एक्टिविटी है वो रिसाइकल होती रहनी चाहिए। मान लो 50 साल तक युद्ध ना हो, युद्ध की तैयारियों से हमारे पास सामान पड़ा हुआ है और वो सामान जाम हो गया, तो आर्मी की रीएक्सरसाइज पब्लिक सेवा में अगर कभी कभी होती है तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे वैसे आर्मी को इसलिए सीधा यूज नहीं करते कि पब्लिक और एक आर्मी के बीच में गैप रहना चाहिए, लेकिन जब मजबूरी होती है तो यूज की जाती है। मेहता जी, मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है, कहने में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं खुद, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोरोना के दौरान जैसे मीडिया वाले लगातार कई शिकार हो रहे हैं, हरियाणा में भी 10-11 पत्रकारों की इस प्रकार से डेथ हो चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर तो संख्या अनगिनत है। हम हरियाणा की बात करेंगे, क्या हरियाणा में कोई मीडिया के लिए ऐसी सोच बन रही है या बन सकती है जिसमें कि कम से कम कोविड कवर उन्हें मिले, कोविड पॉलिसी कोई इंश्योरेंस की मिले, या कोई और ऐसा कोई स्कीम सरकार सोच सकती है? देखो, हरियाणा में मीडिया के लिए पहले भी बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होएगा। पहले बहुत अच्छा हो रहा है वो उनसे पूछो जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी हर 7 तारीख को उनके घर में 10,000 की पेंशन का मैसेज चला जाता है। चला जाता है कि नहीं जाता, बताओ आप, जाता है कि नहीं जाता? ऐसे ही जो आपने कहा है कि भी इस कोविड के टाइम में कुछ सुरक्षा का फरमान गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, ये आपने विचार मेरे दिमाग में डाला है, मुझे आपका विचार बहुत अच्छा लगा। मैं सरकार से डिस्कस करके इसको कोशिश करेंगे कि अच्छे फोरम में कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मतलब एक पत्रकार काम करते हुए खुद को सुरक्षित फील करे, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने एक सवाल उठाया था कि जी मास वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो सरकार ने कल चंडीगढ़ और पंचकुला के जर्नलिस्टों का मास वैक्सीनेशन एक ही जगह पे हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाए तो जिला लेवल पे भी पत्रकारों का 1 under 1 roof वैक्सीनेशन करवा दें। तीसरा सवाल आता है कि सुरक्षा कैसे दी जाए, उसके कई तरीके हैं, ग्रुप इंश्योरेंस पर विचार किया जा सकता है और कोई रास्ता भी निकाला जा सकता है। तो मैं, क्योंकि ये महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उनसे डिस्कस करके फिर इस पर कोई निर्णय कराने की कोशिश करें। धन्यवाद विनोद मेहता जी। तो ये हैं विनोद मेहता, जो कि प्रिंसिपल मीडिया एडवाइज़र हरियाणा सीएम के हैं। इनका कहना है कि आने वाले 72 घंटों के अंदर हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो ट्रेन चली हुई है वो कल शाम 6 बजे तक फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइम लगेगा, उसके बाद सिलेंडर भरने में जो टाइम लगेगा, ये सब चीज़ों मिलाकर 72 घंटे के अंदर हरियाणा में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी।
मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का विषय जरूर है। इसीलिए ऑक्सीजन की जो आपूर्ति भी एक चुनौती हरियाणा सरकार के लिए बनी हुई है। सबसे अहम बात जो विनोद मेहता जी ने कही वो ये कही कि इन्होंने इस बात की गंभीरता को खुद भी फील किया है कि जो मीडिया के लोग हरियाणा में रहते हैं, फील्ड में घूमते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सहानुभूतिपूर्ण सोचते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई मीडिया के लिए ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।